पूर्णी क्षति हुई है। कल हमारे जो वित्त मंत्री थे उनके साथ ऐसी घटना घटित हुई, और आज हमारे महानगर के अध्यक्ष और जिन्होंने पूरा मीडिया का काम प्रदेश का देखा, उमेश अग्रवाल जी जो बहुत अच्छे कार्यकर्ता हमारे थे, उनको भी आज असामयिक मृत्यु का ग्रास होना पड़ा है। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो उनको अपने श्री चरणों में रखे और उनके परिवार को इस असह्य कष्ट को सहन करने की शक्ति दे। भारतीय जनता पार्टी को तो अपूर्णीय क्षति हुई है, और सभी कार्यकर्ताओं को भी इस असह्य कष्ट को सहन करने की शक्ति दे। ये नियति को यही मंजूर था, बहुत कोशिश की गई और सिंगापुर से लेकर दुनिया भर के सारे डॉक्टर्स को दिखाया गया, उसके बावजूद उमेश जी नहीं बच पाए। इसके लिए क्या किया जा सकता है, सबको सहन करना पड़ेगा। उनके बताए हुए मार्ग पर सब लोग चलें। वो एक ध्येयनिष्ठ कार्यकर्ता थे, रात दिन लगातार कितना कष्ट हो, लेकिन पार्टी के लिए वो अगर मर मिटना भी पड़े तो उसके लिए भी तैयार रहते थे। ऐसे कार्यकर्ताओं की कमी हमको हमेशा खलेगी, उनकी कमी हमें हमेशा खलेगी।